से त्रस्त सांस्कृतिक कलाकारों ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार, हमारी भी सुनो सरकार। आज कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन बरेली के माननीय जिलाधिकारी जी को दिया गया, जिसमें सरकार से गुहार लगाई कि सांस्कृतिक कलाकार साउंड इवेंट व उनके परिवार तथा उनसे जुड़े संबंधित अन्य लोगों के परिवार में आज भुखमरी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने से सभी सांस्कृतिक कलाकारों के कार्य COVID-19 के नियम अनुसार पूर्ण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश कठेरिया, एडवोकेट। सर क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला है? सर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो है आज लॉकडाउन पूर्णतः समाप्त हो गया है, अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद सारे कार्य प्रारंभ हो गए, लेकिन कलाकारों के विषय में अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। तो हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हम कलाकारों के विषय में भी सोचें, क्योंकि आज कलाकारों की स्थिति ऐसी है कि उनके घर में भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। आज मकान समझो गिरवी पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ गिरवी पड़ी हैं, कुछ के मकान बिक चुके हैं। आज बहुत बुरी स्थिति है हम कलाकारों की। तो हम सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कलाकार सोसाइटी के माध्यम से कि हम कलाकारों के विषय में भी कुछ सोचा जाए। क्या आश्वासन दिया आपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आपको? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और हमने उनसे हमने बताया उनको भी, उन्होंने हमारी बात को सुना कि भाई साहब जिस तरीके से सारे कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए सरकार ने, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें भी COVID-19 के नियमानुसार हमारे भी जो छोटे मोटे कीर्तन होते हैं उनका प्रारंभ हो, जिससे कि हमारे सबकी जीविकोपार्जन चले और हमारे परिवार में जो है भुखमरी कगार से बचाया जा सके, क्योंकि सब जगह धीरे धीरे सारे काम, क्योंकि हमसे सामने जने कितने लोग जुड़े हुए, हमसे साउंड वाले जुड़े हुए हैं, हमसे कैमरे वाले जुड़े हुए हैं, हमसे झांकी वाले कलाकार जुड़े हुए हैं, हमसे रंगमंच जुड़े हुए हैं, हमसे नाटक कलाकार जुड़े हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्रारंभ करें, जिससे कि हमारे परिवारों की भुखमरी समाप्त हो और हम सब लोग अपने जीविकोपार्जन को चलाएँ।